आज जब मैंने 18 औरों में कहा था ट्रेलर रिलीज हो गई है, क्या कहना चाहोगे आपको ट्रेलर कैसी लगी सर? नीरज पांडे का है, पहले भी फिल्म है, नीरज पांडे डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है, और अभी अजय देवगन को लेकर तब्बू को लेकर लिया है। अजय देवगन तब्बू का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि उनकी जो भी फिल्में हैं ना हिट हुई है। करेक्ट, हाँ, और बहुत सारी है, यानी पहले से ही जब वो जवानी से बोले ना, अभी बुढ़ापे में आए फिर भी दोनों एक साथ में दिख रहे हैं, पब्लिक को मतलब अच्छा लगता है, इसलिए देखने का एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक। लेकिन आपको बता दो कि दे दे प्यार दे 2 में के बाद ऐसा लग रहा है मेरे को कि इस बार रोमांस कर रहे दोनों? अरे भाई दिल तो जवान है, वो भले उम्र स्क्रीन कैसे भी हो, उनकी उम्र कैसी भी हो, लेकिन दिल तो जवान है ना, और पब्लिक एक्सेप्ट करती है तभी तो फिल्म बनाता है, बनाने की डेयरिंग करता है, नहीं तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर क्यों डेयरिंग करेंगे? जब अच्छी लगती है पब्लिक, आने पब्लिक को बाबा ये जोड़ी बहुत अच्छी है यार, सही है, देखने मज़ा आता है, तब ऐसी फिल्में बनती है। और अजय देवगन का तो भाई बोलने की बात ही नहीं है, एक्टर में बादशाह है वो, और जैसे अभी फिल्में आई थी उसकी मैदान भी आई थी, शैतान भी आई थी, और क्या मतलब वो जो एक्टिंग उसके अंदर है, वंस अपॉन टाइम वाले जो दिख रहा है, उसके पहले वाला जो अजय देवगन एक मैंने कुछ कुछ ऐसा सीन उसके अंदर लग रहे हैं कि सब मिला के एक पॉइंट डाल सीन के अंदर डाला है ऐसा लग रहा है मुझे। और फिल्म तो भाई इंतजार रहेगा इसका, फिल्म का मंजरेकर भी है और एक नया हीरो भी है जो कि बचपन का रोल प्ले कर रहे हैं दोनों का, साई मंजरेकर जो महेश मंजरेकर की लड़की है, तो उनके बारे में भी क्या कहना चाहोगे दोनों एक्टर के बारे में? भाई उसका तो थोड़ा ही शॉर्ट दिया है, लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकेंगे। फिल्म तो हम तब्बू के बारे में और अजय देवगन के बारे में, और हमारा फोकस भी उन पर है, जैसे फिल्म का भी और डायरेक्टर का फोकस उस पर ही होगा, और शायद बचपन का उन्होंने कुछ रोल किया होगा इसीलिए ऐसा उन्होंने दिया है, लेकिन हम तो भाई इसी के बोले जोड़ी अच्छी है, फिल्म तो मज़ा ही आएगा देखने के लिए। नीरज पांडे की बात करें तो उन्होंने स्पेशल 26 बेबी MS धोनी जैसी मूवी बनाई है, लेकिन इस बार वो एक रोमांटिक मूवी बना रहे हैं अजय देवगन को लेकर, एक अलग कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। भाई आपको रोमांटिक लग रहा है लेकिन कहानी उसके अजय देवगन दिखता है कि बैक साइड कुछ और होता है, या सामने शायद रोमांटिक का शॉट दिखा है लेकिन पीछे कोई कहानी कुछ और भी है फिल्म के अंदर। क्या बात है, रेटिंग क्या देंगे आप 5/4? भाई ट्रेलर के हिसाब में 4 दे दूंगा मैं। जी थैंक यू। साहिब भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, फाइनली अजय देवगन तब्बू की मच अवेटेड मूवी औरों में कहां दम था का ट्रेलर रिलीज हो गई है, क्या कहना चाहोगे ट्रेलर के? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपको अपने चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। अब मैं आता हूं औरों में कहां दम था, जिस तरीके से टाइटल रखा गया है इसका औरों में कहां दम था, तो मतलब दूसरों में दम नहीं है, खुद के हाथों से इन्होंने खुद का मतलब सत्यानाश कर दिया है। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं तो अजय देवगन को खुद याद नहीं रहता है कि उसने 10 मिनट पहले क्या किया, किसको मारा, उसके बाद 22 साल के बाद कहानी बताई जाती है, एक प्लॉट वो आता है, फिर तब्बू आती है, फिर जेल में भी मारता है उसको, फिर से पता नहीं क्या था। तो कहीं ना मुझे प्लॉट ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि गजनी की याद आ गई मुझे, जहाँ पर आमिर खान को कुछ याद नहीं रहता मारने से पहले कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ क्या उसके बाद कौन सी हो रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ थोड़ी डिसअपॉइंट लगी ट्रेलर में। बाकी अदरवाइज़ यहाँ पे जिमी शेरगिल भी नज़र आ रहे हैं तो उनका भी देखते हैं कैसा क्या रहेगा। ट्रेलर में मुझे अगर कोई बात अच्छी लगी ना तो रोल लगी केमिस्ट्री तब्बू की और अजय देवगन की, जो 90s का दौर रहता था ना, जो रोमांस रहता था उनका, वो देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। और हाँ, अजय देवगन जो अपनी आंखों से एक्टिंग करते हैं ना, वो हमेशा से उनका जो नज़र आता है वो चीज़ देखने काफ़ी मज़ा आएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं नीरज पांडे ने कितना क्या किया है, उनका औरों में कितना दम रहता है, या फिर हमारे ही थिएटर में बैठ के दम निकल जाएगा उस दिन वो पिक्चर देख के, वो तो पिक्चर देख आने के बाद ही मालूम पड़ेगा। रेटिंग में ट्रेलर को दूंगा 2.5, क्योंकि यार डिसअपॉइंटमेंट हुई है, आमिर खान की याद आ रही थी कहीं, यार उत्तरी ओह, तो 2.5। थैंक यू, यू वेलकम। तो पवन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, फाइनली अजय देवगन और तब्बू की मच अवेटेड मूवी औरों में कहां दम था का ट्रेलर रिलीज हो गई है, क्या कहना चाहोगे? नीरज पांडे के दिग्दर्शन में बनी ये फिल्म औरों में कहां दम था, स्टारिंग अजय देवगन, तब्बू, सई मांजरेकर, जिमी शेरगिल, मल्टी स्टार कास्टिंग है फिल्म। जिस तरीके से ट्रेलर दिखाया गया है, मुझे तो कहीं ट्रेलर अच्छा भी लगा, कहीं मुझे अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा बिकॉज ट्रेलर का जो प्रेजेंटेशन था, मुझे ऐसा लग रहा है सीरियलिस्टिक था, मतलब सीरियल जैसे हम देखते हैं वैसा कुछ टाइप का मेरे को सीरियलिस्टिक मेरे को प्रेजेंटेशन दिखाई दिया। नीरज पांडे की हमने बहुत सारी फिल्में देखी, अभी हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज़ भी आई थी वो भी हमने देख ली है, उनके डायरेक्शन के बारे में कोई कमी तो वो कभी छोड़ते नहीं है, बट प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं मार खा रहा है इसमें औरों में कहां दम था। एक हम बोल सकते हैं एक आइकॉनिक जोड़ी है, मतलब तब्बू भी एक एक्सपीरियंस एक्ट्रेस है और अजय देवगन भी एक एक्सपीरियंस एक्टर है, जिनका मिलावट हमको इस फिल्म में देखने मिलेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या किस तरीके से स्टोरी हो सकती है, क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है, ये हमको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, बट कुछ कलरफुल टाइप लग रहा है, अभी देखते हैं कि क्या फिल्म में रखा है जो हमें इस फिल्म के रिलीज़ के बाद देखने मिलेगा। 5 मैं 3 स्टार देना चाहूँगा। थैंक यू स्वागत भाई, बहुत बहुत स्वागत है, फाइनली औरों में कहां दम था अजय देवगन की ट्रेलर रिलीज हो गई, क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी आपको ट्रेलर?
ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अजय देवगन ने पूरी जेल में पिक्चर ख़त्म कर दिया जी, जेल के अंदर ही पिक्चर ख़त्म हो गई। फिर बाद जेल के अंदर ही और मैं कहा धमता वो लव स्टोरी एक पीछे से क्या बोलते जेल के अंदर ही स्टोरी बताया और जेल के अंदर ही ख़त्म कर दिया ऐसा लग रहा है ट्रेलर में। तो तब्बू के साथ उनकी जोड़ी कैसी लगी? तब्बू बोलो जीवन केसरी तब्बू अच्छा नहीं लगी इसके साथ, लेकिन जब भी माँ लग रही थी लेकिन जब भी दोनों जोड़ी आपके सुपर हिट खिलाती है तो आपको अच्छा कैसे नहीं लगा? अरे कहाँ से सुपर हिट खिलाती है, तुम पगला गए हो क्या? दृश्यम में आई सुपर हिट, दृश्यम में तो हीरोइन थोड़ी थी वो, हीरोइन ही थे दोनों, सब साथ में आते हैं, साथ में आई थी ना। हाँ तब्बू को कैसा है, माँ का रोल, बाप का रोल, बहन का रोल लोगे तो अच्छा है, लेकिन एक लव स्टोरी तब्बू पे चला रहे हो तो नहीं चलने वाली। क्या लगता आपको, नहीं चलेगी? चलेगी पूरी पिक्चर, जेल में चली है तो चलते रहेगी, जेलर लोग देखते रहेंगे, जेलर लोग देखेंगे जी। आप नहीं देखोगे? नहीं हम भी देखेंगे, हम भी दूसरे जेलर बन के देखेंगे। क्यों नहीं देखोगे? अजय देवगन के फैन हो आप? अरे अजय देवगन के तो बहुत बड़े फैन है, जाएंगे देखेंगे, उनकी आँख से बहुत मोहब्बत है, आँखों से क्या बात है। अच्छा चलिए ट्रेलर को रेटिंग क्या होगी? 5 में से 2 बस बस। थैंक यू, वेलकम।